But the very name Jesus means the savior. और जो यीशु नाम का जो शब्द है उसका अर्थ है बचाने वाला. The heavenly name. ये एक स्वर्गीय नाम है. Not the earthly name. ये पृथ्वी पर का कोई नाम नहीं. Not upon the earth from heaven itself. स्वर्ग में से पृथ्वी पर ये नाम आया. Have you seen Matthew 1:21? जैसे हम देखते हैं मत्ती 1:21 के अंदर. Thou shalt call the name Jesus. उसका नाम यीशु रखना. For he shall save the people. क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा. That means one with power to forgive the sins of sinners. इसका मतलब अर्थ यह होता है कि वो जिसके पास है सामर्थ्य अधिकार है कि पापियों के पापों को क्षमा कर दे. One with power to remove the guilty stains of sinners. वो जो जिसके पास है शक्ति है कि पाप के दागों को वो धो डाले. And one with power to take away sinful nature. And give us divine nature. और वो जो जिसके पास शक्ति है कि हमारे पापमय स्वभाव को हमसे निकाल कर स्वर्गीय स्वभाव दे दे. And one who gives victory over sin and temptation day by day. और वो जो पाप पर और परीक्षा पर दिन प्रतिदिन जय देता है. And one who will one day make me immortal and perfect. और वही शक्तिमान है मुझे एक दिन सिद्ध बना देगा और मुझको पूरा बना देगा. And that's why he was called by that name. और इसी कारण से इस नाम से वो कहा गया Jesus. यीशु. My son, thy sins be forgiven thee. मेरे पुत्र तेरे पाप क्षमा हो गए परमेश्वर. Who can forgive? कौन है पाप की क्षमा कर सकता है? They couldn't answer who he was. वो कौन था इस बात को समझ नहीं सके. But the greatness of Lord lies there. परंतु प्रभु यीशु मसीह की महानता श्रेष्ठता यहीं पर है. Tell me any prophet of any country. Ever saw these words? मुझे बताएं किसी भी देश के किसी भी स्थान के शताब्दी के प्रचारक ने या नबी ने ऐसे शब्दों को क्या कहा? My child, my son, my daughter, thy sin be forgiven thee. मेरे पुत्र मेरे बच्चे मेरी बच्ची तेरे पाप क्षमा हो गए. But these words of Lord Jesus Christ. ये शब्द हमारे प्रभु यीशु मसीह के. Reveal something of the greatness. Of him. उसकी महानता और श्रेष्ठता के विषय में कुछ बात हमको दिखाती है. उस समय से लेकर अब तक बहुत से लोगों ने इन शब्दों को इन बात के समाचार को सुनते आए हैं. My son, मेरे पुत्र, my daughter, मेरी पुत्र, my child, मेरे बच्चे, thy sins be forgiven thee. तुम्हारे पाप क्षमा हुए. Now tell me please, कृपा कर मुझसे कहें. Have you ever heard these words? क्या कभी आपने ऐसे शब्दों को सुना? Ever these simple word, loving word, and your ear? क्या कभी ये प्रेमी शब्द आपके कानों में सुनाई पड़ सका? Before my conversion, मेरे परिवर्तन से पहले, I never knew what Bible is. बाइबल क्या है उस बात को मैं नहीं जानता. I was so blind spiritually. आत्मिक रीति से मैं इतना अंधा था. Never heard about new words. नए जन्म के शब्द के विषय में कभी नहीं सुना था. But I heard these words. और इन शब्दों को सुना. My son, thy sin be forgiven thee. मेरे पुत्र तेरे पाप क्षमा हो गए. They were so clear. इतने साफ थे. So loving. और इतने प्रेमी थे. I can never forget them. ये एप्पड़ मरवाले. मैं इनको कभी नहीं भूल सकता हूँ. And these words changed my life also. और इन्हीं शब्दों ने मेरे जीवन को बदल दिया. And changed me completely. और पूरी रीति से मुझे बदल दिया. And changed me in a few seconds. और कुछ क्षण सेकंड में मुझे बदल दिया. At that time I was living in every sin and vice. और उस समय मैं हर प्रकार के पाप और उनकी आदतों में जीवन बता रहा था. Small fragment. अरे छोटे से वाक्य के I began to see the greatness of my savior. मैं अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता की महानता के विषय में कुछ देखने लगा. Even though you may have the whole world wealth, and that cannot bring you the freedom of sin. जब भी आपके पास संसार का सारा धन हो जाए फिर भी पापों की क्षमा आपके पास वो ला नहीं सकता. As God verse says, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है Matthew Gospel, भक्ति का सुसमाचार 16, सोलवां अध्याय 26, और उसकी 26वीं. What is a man profited if he gain the whole world and lose his own soul? What shall a man give in exchange for his soul? यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे अपने प्राण की हानि उठाए उसे क्या लाभ होगा? या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा? No amount of the wealth of the world can bring me the assurance that my sins are forgiven. संसार के बहुत आयत प्रकार के धन दौलत भी हमारे पाप क्षमा हो गए हैं उस बात की निश्चयता नहीं दिला सकते. Even though I may give all my money to the poor, all my property to the poor,
even that won't give me assurance. यद्यपि मैं अपने साथ धन दौलतों को कंगालों को भिक्षुकों को दे दूं फिर भी मुझे ऐसा अनुभव प्राप्त नहीं होता। I may go anywhere. मैं कहीं भी चला जाऊं। And do anything. किसी प्रकार का काम क्यों न करूं और किसी प्रकार का साहस क्यों न पड़ा लूं। But I will never get the assurance. परंतु मुझे इस प्रकार की निश्चयता कभी नहीं मिलेगी। And that's why you see on many faces the marks of fear and worry and anxiety. और इसी कारण से बहुत से चेहरों पर आप चिंता फिकर सोच विचार के चिन्हों को देख सकते हैं। Now please tell me, आप कृपा कर मुझसे आपका बताएं कहें। Are your sins forgiven? आपके पाप क्षमा हो गए? If so, when? अगर क्षमा हो गए तो कब हुआ? And what did you do when you forgiven? और जब क्षमा हुआ तो आपने क्या किया? I am not asking you, are you a Christian? मैं इस बात का प्रश्न आपसे नहीं पूछ रहा हूँ कि आप क्रिश्चियन हैं कि नहीं। But question is, are your sins forgiven? और प्रश्न यह है क्या तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं? And who forgave them? और किसने उन्हें क्षमा कर दिया? How many sins did you forgive? और कितने पापों को अधिक पापों को उसने क्षमा किया? How did he forgive you? कैसे उसने क्षमा कर दिया? What happened to you when he forgave you? जब उसने क्षमा कर दिया तो आपके अंदर क्या हुआ? Did you find your heart full of gratitude, full of praise, full of thanks? My Lord, I adore thee for forgiving me. Yes, sir. क्या आपका हृदय कृतज्ञता से आराधना भक्ति से भर गया? मेरे प्रभु तू ही ने मुझे मेरे पापों से क्षमा दे दी है। Otherwise, you will remain blind spiritual. अगर ऐसा ना हो आत्मिक रीति से आप अंधे बने रहेंगे। And dead also. और मृतक भी बने रहेंगे। Doesn't matter where you go and whatever you do. और किसी इस बात की चिंता नहीं कि आप क्या कुछ करते हैं और कहाँ कहीं जाते हैं। What you make sure that your sins are forgiven. और इसीलिए कि आप इस बात को निश्चय कर लें आपके पाप क्षमा हुए कि नहीं। There are some thieves. कुछ ऐसे चोर भी हैं। They are very very clever thieves. बहुत होशियार चोर हैं। They look so simple. इतने सीधे साधे भोले भाले दिखते हैं। You can never imagine. आप कल्पना नहीं कर सकेंगे विचार नहीं कर सकेंगे सोच नहीं सकेंगे ऐसा व्यक्ति वो चोर भी है। They are so simple. वो इतने सीधे साधे मालूम होते हैं। But they are first class thieves. परंतु फर्स्ट क्लास प्रथम क्लास के वर्ग के वो चोर हैं। Outwardly you never suspect. बाहरी रीति से रूपरेखा देखने से आप संदेह नहीं कर सकते। And maybe that's your case also. हो सकता है आपकी परिस्थिति हालत ऐसी है। We have received till today many people that you are a good person. आपने बहुत से लोगों को आप भले अच्छे लोग हैं करके आपने लोगों को धोखा दिया है। Maybe your mother or your father, husband or wife, they think you are a very very good person. हो सकता है आपके माता पिता भाई बहन स्त्री पुरुष वो कह सकते हैं आप बड़े अच्छे लोग हैं। But you would never become a good eyes of God. परंतु आप परमेश्वर की दृष्टि निगाह में अच्छे नहीं हो सकते हैं। Until your sins are forgiven. जब तक कि आपके पाप क्षमा हो जाए। And no man can forgive you. और कोई मनुष्य आपके पाप क्षमा नहीं कर सकता। Only the Lord Jesus Christ, the loving Savior, has power to forgive sins. केवल प्रभु यीशु मसीह प्रेमी उद्धारकर्ता के पास ही ऐसी शक्ति है। Now please tell me. अब कृपा कर मुझसे। Have you ever heard these words? और कभी आपने ऐसे शब्दों को सुना? My son, my daughter, my child. Thy sin be forgiven thee. मेरे पुत्र मेरी पुत्री मेरे बच्चे तुम्हारे पाप क्षमा हो गए। And while your heart filled with joy and wonder and thanksgiving, having heard those words. ऐसे शब्दों को सुनने के द्वारा से आपके हृदय आनंद से अचंभे से शांति से भर गए। And are you conscious of a divine person living in you as a friend? और ऐसा दैवीय व्यक्ति आपके साथ रहता है और आप उसकी उपस्थिति का एहसास कर रहे हैं क्या ऐसा अनुभव आपको है? If not, अगर नहीं है have this experience evening. इस शाम के समय ऐसे अनुभव को आप प्राप्त करें। It's very simple. बहुत सीधा है। As you humble yourself. जैसे जब आप अपने आप को नम्र अधीन करें। And confess yourself. और अपने पापों को मान लें। And be sorry for them. और उन पापों के विषय में दुखित हों। And believe from the heart. और हृदय से विश्वास करें। The Lord Jesus Christ died in your stead for your sins. प्रभु यीशु मसीह आपके पापों के बदले में और आपके स्थान में मर गए। He did no sin. कि उसने कोई पाप नहीं किया। He died willingly. उसने अपने वो अपने स्वयं की इच्छा में मर गए।